कहाँ खड़ा है, दे बता है तेरी बारी। तेरी मेहनतें और कोशिशें यूं ही नहीं, यूं ही नहीं, मुश्किल से या हालात से थकना नहीं, रुकना नहीं। दौड़ जा तेरे कदम अब ना रुके मैदान में, कर हौसला जो ना गिरे आंधी हो या तूफान में। एक दफा फिर हम आपको तमास खान फुटबॉल स्टेडियम पिशावर से वेलकम करते हैं। यूफन 4G फुटबॉल कप 2021 का दूसरा सेमीफाइनल मैच और दूसरा हाफ। चित्राल की टीम को दो गोल की बढ़तरी हासिल है मोहम्मद रसूल और जियाउसलाम के गोल्स के जरिए। शायकीन की कसीर तादाद मौजूद है और चीयर अप कर रहे हैं अपनी अपनी टीम्स को। सपोर्टर यहाँ पे मौजूद हैं। तमास खान स्टेडियम फुल पैक हो चुका है और सख्त सर्दी भी है पिशावर में। जियाउसलाम जो कि गोल स्कोरर हैं, दूसरा गोल स्कोर किया चित्राल की टीम के लिए इन्होंने। मेंट्री बॉक्स में आसिफ खान, हमारे बहुत सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और गौहर जमान फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपका अजमल। गौहर, आपने अभी एक टेक्निक आप करके आए हैं नीचे। आप टीम की कैंप में चले गए थे और आपने क्या कहा था कप्तान को वजीरिस्तान के? असल में मैच बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है और वज़ीरिस्तान की टीम क्योंकि एज ए मेंटोर, एज ए वो जारी वादे के वो बनता है कि तो उस टीम को थोड़ा सा वो गाइड करने के लिए कि यार जो आप वो खेल रहे हो, एटलीस्ट आपकी जो पोजीशनिंग है जब आपके अंडर अटैक होते हो तो जो चार डिफेंडर्स हैं वो स्क्वीज करते हैं अंदर आकर, ये नहीं कि राइट का राइट विंग पे निकल राइट फुल बैक निकल जाता है, लेफ्ट फुल बैक अपनी विंग पे और अंदर दो सेंटर डिफेंडर, बिल्कुल नहीं। अगर राइट से अटैक है तो लेफ्ट फुल बैक को चाहिए कि अंदर आ जाए, अगर लेफ्ट से अटैक है तो राइट फुल बैक को चाहिए कि अंदर आ जाए सपोर्ट के लिए। इसी तरह मिडफील्ड को चाहिए कि वो फॉल बैक करें जब अंडर अटैक हो अपनी डिफेंस की हेल्प के लिए। तो ये कुछ थोड़ी बहुत, क्योंकि वो तो वो नहीं हो सकता, लेकिन एक एडवाइस वो ज़ाहिर बात है बीइंग अ सीनियर वो दिए। दूसरा हाफ चित्राल की टीम की बढ़तरी दो गोल और वज़ीरिस्तान की टीम देखते हैं कि किस हद तक कमबैक करती है और जो दो गोल का खसारा है वो बराबरी के ऊपर ला के आती लेकर आती है। रूहुल्ला है, रजाउल्ला है, रहमानुल्ला और उसके बाद उनके और स्ट्राइकर्स के मौजूद हैं, असद खैर हैं, शेर आलम हैं, शफीउल्ला है, मुहिबुल्ला, फहीमुल्ला जो कि खतरनाक खिलाड़ी हैं। उन्होंने अच्छी कोशिश की थी एक और अटैक है चित्राल की जानिब से। मोहम्मद रसूल अपनी पोजीशन चेंज कर गए थे, बॉल जहां पे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वहां डिलीवर नहीं कर सके इफ्तिखार। अब क्या स्ट्रेटेजी होगी क्योंकि अटैकिंग फुटबॉल तो खेलना पड़ेगा वज़ीरिस्तान कंबाइन की टीम को, और थोड़े से डिफेंसिव तो होंगे लेकिन बॉल को होल्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे चित्राल के फुटबॉल प्लेयर्स। बिल्कुल अजमल, बल्कि अगर फॉर एग्जांपल इस टाइम मैं कोच होता तो मैं पहले 10-15 मिनट्स डेफिनेटली अपनी पोजीशन पे जैसे हम खेल रहे हैं
वो खेलता, और लास्ट अगर 15-20 मिनट्स में तो मैच दो गोल से हारना या तीन गोल से हारना एक ही बराबर है, तो उसमें मैं जाहिर बात है कि बींग अ कोच एक स्ट्रेटेजी अपनी वो करता, और 3-4-3 पे कि तीन डिफेंडर होते, चार मिडफील्ड और तीन स्ट्राइकर, या उसमें सेम इसी तरह जो है ना वो एक अपनी स्ट्रेटेजी वो करके अटैक की तरफ ज़्यादा और विंग से अटैक करने की कोशिश करता, क्योंकि चतराल की टीम जो अंदर के गाजी जो डिफेंडर है और वो दूसरे वो बड़े सीनियर और सीजन प्लेयर्स हैं, तो राइट लेफ्ट से जितनी हम क्रॉसिंग कर सकें वजीरिस्तान की टीम के लिए, तो मैं यही कहूँगा कि वो उतना ही जो है ना चतराल की टीम को आप उसको एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी वो वही आ जाती है एक मैच्योरिटी लेवल, चतराल की जो टीम है वो एज ए मैच्योर पांच छह इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जब वो अटैक पे आप देख रहे हो मिडफील्ड फुल सपोर्ट में आती है, आगे आप लेफ्ट फुल बैक को देख लें पूरे फुल अटैक पे आ गया, इस टाइम आप देख लो अटैक में भी पांच छह न्यूमेरिकल एडवांटेज होता है, और अगर ये अंडर जैसे बॉल लूज करते हैं और एक ट्रांजिशन बॉल अपोनेंट्स बॉल बोली तो साथ ही फॉल बैक करते हैं अपने डिफेंस लाइन में। इस टाइम बॉल बड़ा अच्छा बॉल फेमुला का, लेकिन गोलकीपर ने बॉल सेव किया। गौर आपने ठीक कहा, चित्राल की टीम की बनस्बत जो बलूचिस्तान की टीम है उनके खिलाड़ी दूर दूर नजर आ रहे हैं फुटबॉल में, ऐसा दूर दूर नजर आ रहे हैं बलूचिस्तान के खिलाड़ी, जिसका उनको कंबाइन एफर्ट में मुश्किल का सामना है, ये वाजे नजर आ रहा है फर्क तजर्बे का दोनों टीम्स के दरमियान। ऐसे डिफेंस और अटैक का बड़ा सिंपल से एक असूल, इफ यू आर ऑन अटैक यू हैव टू बी स्प्रेड आउट, यू हैव टू थिंक डीप, यू हैव टू प्ले डीप, यू हैव टू प्ले, जितना आप अटैक विंग से और उससे वो कर सकते हो बेस्ट है, और व्हेन यू आर अंडर अटैक जब आप पर अटैक हो रहे हो तो यू हैव टू स्क्वीज, डिफेंस में भी आप उसी, तो ये सिंपल सा फार्मूला है कि जब अगर आप अटैक कर रहे हो स्प्रेड आउट हो जाओ, थिंक डीप प्ले जितना आप विंग पे खेल सकते हो, जितना आप डीपली स्ट्राइकर को खेल सकते हो, और अगर आप अंडर अटैक हो तो यू हैव टू स्क्वीज। कंबाइन वजीरिस्तान की टीम कमबैक करने की भरपूर कोशिश में है, और कॉर्नर किक के साथ आगाज किया, माइनस करना चाहते हैं, माइनस किया, हेड के जरिए कोशिश, अच्छी कोशिश है और बिलाखिर गोल करने में कामयाब हुए वजीरिस्तान के खिलाड़ी, और एक गोल का बहुत जबरदस्त, गेम में वापस आना चाहते हैं क्योंकि थोड़े से इजी हो गए थे, और आठ नंबर के खिलाड़ी हैं वजीरिस्तान के फहीमुल्ला, ये देखिए गया माइनस हुआ था, बॉल डिफ्लेक्शन हुई और फहीमुल्ला ने कोई चांस नहीं जाने दिया गोल करने का, फहीमुल्ला ने गोल के खसारे को कम किया, और अभी भी एक के मुकाबले में दो गोल की बढ़तरी हासिल है चित्राल की टीम को। मोहम्मद रसूल और जियाउस सलाम ने गोल स्कोर किया चित्राल के लिए, और अभी फहीमुल्ला गोल करने में कामयाब हुए वजीरिस्तान के लिए। जी और वाजे नज़र आया वजीरिस्तान की टीम में कि कंबाइन होकर खेले वो, और यकीनन आपकी स्ट्रेटजी भी यही थी जो आप उनको बता रहे थे उनके कप्तान को, और क्योंकि आपने जाके बताया ये आपकी जिम्मेदारी भी थी एज इंटरनेशनल प्लेयर एक्स प्लेयर और यूफोन के आप मेंटोर भी हैं। बिल्कुल, क्योंकि दोनों टीमें जारी वादे के हमारी उसके लिए ये एक फुटबॉल डेवलपमेंट स्टेज में हम जा रहे हैं, तो जो कैप्टन रजाउल्ला था उसके साथ मैंने डिस्कस किया और यही डिस्कस किया कि जो फहीमुल्ला है बड़े एनर्जेटिक और गोल स्कोर लड़का है, तो रजा को मैंने यही कहा कि फहीम को थोड़ा अटैक पे रखो ताकि ये अटैक पे जाए, क्योंकि ही हैज़ द एबिलिटी टू स्कोर गोल, और वही हुआ कि फहीम ने बड़ा अच्छा गोल किया और रजा ने बड़ा अच्छा बॉल क्रॉस किया, तो एक इंटरेस्टिंग मैच 2-1 बड़े टाइमली अब मैच जो है मैच इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि एक गोल का खसारा है, और वजीरिस्तान कंबाइंड की टीम जो है अपनी जो फॉरवर्ड लाइन में उतार चढ़ाव लेकर आएगी, क्योंकि थोड़ा सा आलमगीर गाजी और वजीरिस्तान के खिलाड़ी के दरमियान अनवर खान जो कि रेफरी हैं सीनियर खिलाड़ी हैं फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर हैं पेशावर के लिए खेल चुके और मैच रेफरी हैं आज के अनवर खान, सैयद गाजी फाउल किक लेते हुए
वज़ीरिस्तान कंबाइंड की टीम दूसरे हाफ में गोल के खसारे को कम करने में कामयाब हुई है फहीमुल्लाह के जरिए। अच्छा गोल किया फहीमुल्लाह ने। चित्राल की जो टीम थी थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आए मुझे दूसरे हाफ में, और कुछ अपना स्टाइल ऑफ प्ले चेंज किया था या इजी ले गए थे गौर जमान। अगर अजमल आपने सेकंड हाफ देखो, पहले हाफ देखो तो पहले हाफ से वज़ीरिस्तान की टीम अटैक पे और बड़े अच्छे इन्होंने आखिरी 5-10 मिनट जो है ना बड़ा अच्छा खेली है, तो उसी को जो है ना आप वो देख लो कंटिन्यू करके। और दूसरी मैंने वही कहा था कि वज़ीरिस्तान की टीम जो है ना वो थोड़ा सा वो टैक्टिकल उसमें अवेयरनेस कमी थी, बाकी अगर आप देखो तो उनकी फिजिकल। रसूल के पास बॉल है इस टाइम और मैं बात वही आ जाती है कि एक कैसे आपने अगर डिफेंस में है तो एटलीस्ट कैसे आपने आना, कैसे आपने फॉल बैक करना है, कैसे आपने एक दूसरे को कवर करना है, आपने बैलेंस कैसे होना है। तो मैं जो वज़ीरिस्तान की टीम देख रही हूँ कि नो डाउट कि वो उनकी टेक्निक्स वो है, लेकिन जो टेक्निक जो टेक्टिकल अवेयरनेस है वो उसकी कमी मैं देख रहा हूँ कि अगर एक प्लेयर जा रहा है दूसरे ने कवरिंग करनी है तो एक प्लेयर जा रहा है दूसरे उसकी कवरिंग नहीं कर रहा, तो वो एक कवरिंग और एक दूसरे का सपोर्ट उसमें थोड़ी सी लैकिंग आ रही है। जी हाँ गौर बिल्कुल सही आपने फील किया। अब एक और अटैक वज़ीरिस्तान की जान की तरफ, और इस वक्त देख रहा हूँ कि 4 डिफेंडर मौजूद हैं वज़ीरिस्तान के, जो कि एक अच्छी साइन है, जो कि वही बात है जो आपने की थी गौर, और आपने जो जो किया वही कर रहे हैं अभी क्योंकि एटलीस्ट इनके अपनी पोजीशंस पे वो आकर वो एक लाइन पूरे वो करके, और इसके साथ ये मिडफील्ड जो है वो भी फॉल बैक करके ताकि और ऑक्यूपाइड करें। ये देख रहे डिफेंडर्स ने बड़ा इंटेलिजेंटली बॉल को क्लियर किया। वज़ीरिस्तान में जो रहमतुल्ला प्लेयर है काफ़ी एजड है और आई थिंक इसको लास्ट 20 मिनट्स में खिलाना चाहिए क्योंकि काफ़ी एजड प्लेयर है और इसका जो फिज़िकल फिटनेस है वो नहीं है कि ये पूरा मैच खेल सके, तो नो डाउट कि वो सीनियर प्लेयर इनके होंगे और काफ़ी, लेकिन इनको लास्ट 20 मिनट्स में ये और डेंजर होंगे बनिस्बत पूरा मैच खेलने के। जी हाँ, जिस तरह आपको याद है मुस्लिम एफसी चमन ने बलूचिस्तान के फाइनल में हयातुल्ला को खिलाया था बिल्कुल आखिरी मिनट्स में। एग्जैक्टली बिल्कुल आसिफ हयातुल्ला नो डाउट एक बहुत बड़ा फुटबॉल का नाम है, उसकी शूटिंग एबिलिटी, और वही था कि वो आखिरी 10-15 मिनट्स में क्योंकि बाकी प्लेयर्स की जो एनर्जी लेवल होता है वो ऑल ड्रेन हो चुकी होती है, तो फिर उस टाइम आपको एक चांस मिलता है कि आप यू हैव टू शो योर स्किल्स और टेक्निक। इस टाइम आप रहमतुल्ला को देख रहे हैं तो वो काफ़ी सीनियर और आई डोंट थिंक कि वो पूरा मैच निकाल सकते हैं, तो इस वजह से मैं यही सजेस्ट करता वज़ीरिस्तान टीम को कि इसको चेंज करना चाहिए था। दूसरा हाफ, दूसरा सेमीफाइनल, पहले सेमीफाइनल में मर्दान की टीम ने चारसद्दा की टीम को पेनल्टी किक्स पे शिकस्त देने के बाद फाइनल तक रसाई हासिल कर ली, और अब दूसरा सेमीफाइनल चित्राल और वज़ीरिस्तान कंबाइंड टीम के अटैक है चित्राल की तरफ से। अब दूसरे हाफ में कंबाइंड वज़ीरिस्तान की टीम ने अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज की है और क्रॉस हुआ, वली खान है गोलकीपर वज़ीरिस्तान के वहाँ पे मौजूद, फहीमुल्लाह रहमानुल्लाह रज़ाउल्लाह और सर जो कि वज़ीरिस्तान के खिलाड़ी हैं मोहिबुल्ला भी, रॉन्ग पास ब्लाइंड पास कर गए, क्लियरेंस हुई। हरे नंबर की शर्ट पहने हुए मोहिबुल्ला थे, शायकीन की तरह सख्त सर्दी में भी फुटबॉल से इतनी मोहब्बत काबिले सताइश है, और दूसरे ममालिक में स्नो फॉलिंग के दौरान फुटबॉल खेला जाता है और फुटबॉल तो है ही सर्दियों की गेल है, हमारे यहाँ बदकिस्मती से गर्मियों में खेली जाती है कि दिन बड़े होते हैं और असर से मगरिब का टाइम ज़्यादा होता है। गौर जमान बिल्कुल अजमल, हमारा मैच था इंग्लैंड में फ्रेंडली इंटरनेशनल मैच, हम खेल रहे थे कोवेंट्री सिटी के खिलाफ और वो स्नोफॉल के दरमियान मैच था, वो मैच में मुझे अभी भी याद है, मेरे लाइफ का एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था।
کمنٹری سٹی کے خلاف ہم کھیل رہے تھے اور وہ بالکل سنو فال, گراؤنڈ بالکل وائٹ تھا. لیفٹ سمیع اللہ تھے, بال مس ہوا گول کیپر سے, خطرناک ہو سکتا ہے. فہیم اللہ ہے ڈی کے اندر, لیکن ابھی تک چانس گیا نہیں. اور رضا اللہ کو بڑا اچھا چانس اور رضا اللہ کو اسی ٹائم بال کو روکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, فرسٹ ٹچ سے وہ بال کو اگر رحمان اللہ کک کرتے تو کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹلی ہو سکتا تھا, لیکن بڑا اچھے پوزیشن پہ بھی تھے. اور رحمان اللہ سینئر تھے, یہ دیکھیں رحمان اللہ سینئر نے لانگ رینج ٹرائی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن بہت دور گئی, پہلے گول کیپر مس کر گئے تھے اور رحمان اللہ کے پاس چانس تھا لیکن اوے تھے تھوڑا سا. اور اب وزیرستان ایک دفعہ پھر اٹیک کرتے ہوئے, فہیم اللہ آٹھ نمبر کی شرٹ پہنے ہوئے خطرناک کھلاڑی ہیں, گول سکورر بھی ہیں. فہیم اللہ کے پاس بال ہے اس وقت, رحمان اللہ, رضا اللہ, فہیم اللہ یہ فارورڈ لائن میں ہیں وزیرستان کمبائنڈ ٹیم کی. اگر اجمل آپ اس میں میچ میں آپ دیکھیں نا تو جو ٹیکنیکل ایبیلیٹی یا اسکل ایبیلیٹی ہے تو آپ دیکھ رہے ہو وزیرستان بھی نو ڈاؤٹ کہ وہ ٹھیک ٹھاک اسی طرح وہ کر رہی, لیکن یہاں پہ ایک ہی وہ آ رہی ہے کہ جو ٹیکٹیکل اویئرنیس ہے وہ لیک کر رہی ہے کہ کیسے آپ نے ٹرانزیشن میں آپ نے وین یو لوز دا بال وٹ یو ہیو ٹو ڈو, اف یو ون دا بال وٹ یو ہیو ٹو ڈو, اور وہ اس کو کیچ کر رہے ہیں چترال کی ٹیم. یلو کارڈ ہوا ہے چترال کے پانچ نمبر کے کھلاڑی شاہد اللہ, جن کو یلو کارڈ ہوا, شاہد اللہ پانچ نمبر کی شرٹ پہنے چترال کے کھلاڑی ہیں. سبسٹیوشن ہوئی ہے, 14 نمبر کے پلیئر امان اللہ گراؤنڈ میں گئے ہیں اور 16 نمبر کی شرٹ اظہر الدین گراؤنڈ سے باہر آئے ہیں. یوفون 4G فٹ بال کپ 2021 کا دوسرا سیمی فائنل, دوسرا ہاف, چترال کی ٹیم کی برتری, دو گول کیے محمد رسول, ایک دفعہ پھر خطرناک کھلاڑی ہیں. امان اللہ کی طرف بال کو ڈلیور کرنا چاہتے تھے ینگ پلیئر, ابھی انہوں نے سبسٹیوشن پہ آئے ہیں. یہ فٹ بال کے جتنے بھی کھلاڑی ینگ ٹیلنٹڈ پلیئرز آ رہے ہیں, ہماری جیت تم ہی تو ہو, تو یہی میسیج یوفون کا ہے اور ہم فٹ بال کے حوالے سے ان فٹ بالرز کو یہی کہیں گے کہ جیتے. خطرناک ہو سکتا ہے, ٹیک کے اندر اچھی کوشش تھی اور گول کیپر وہاں پہ موجود وزیرستان کے نو نمبر کے خلیل تھے, سمیع اللہ تھے غالباً, 16 نمبر کی شرٹ پہنے وزیرستان کے زاہد رحمان, ینگ پلیئر ہیں, موقع ضائع کر کے زاہد رحمان پلیس کر سکتے تھے, گول کیپر کی طرف دیکھا نہیں, وہ برینڈ کک کر گئے غالباً. میں آپ کو بار بار وہی کہہ رہا ہوں, کاؤنٹر اٹیک آیا ہے چترال کی طرف سے. تہماس خان فٹ بال اسٹیڈیم پشاور, شائقین کی کثیر تعداد, زاہد رحمان کے پاس اچھا چانس تھا میچ برابر کرنے کا لیکن میچ میں تیزی آتی ہوئی وزیرستان کی ٹیم نے بڑا اچھا اٹیک کیا تھا. اور اب میں ایک چیز اور نوٹ کر رہا ہوں, گوہر کے مڈ فیلڈ میں زیادہ کھیل رہی ہے چترال کی ٹیم, نہ ان کے ڈیفینس پہ اتنا نمبر میں لڑکے ہوتے ہیں, نہ اٹیک پہ اتنے لڑکے جا رہے ہیں. اصل میں آپ کیونکہ جب بار بار جب ان کو اٹیک ہوا تو چترال کی جو ٹیم تھی, چترال کی وہ ٹیم وہ اپنے اس پہ تھوڑا سا وہ سٹے کر رہی ہے, یا بات وہ کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے وہ دو گول سے آلریڈی لیڈ کر رہے تھے تو وہ بڑا فلوئنٹلی اٹیک کو بھی جوائن کر رہے تھے اس پہ, لیکن ابھی آپ اگر آپ دیکھ رہے ہو تو کیونکہ وہ انڈر اٹیک ہے تو مڈ فیلڈ کوشش کر رہی ہے کہ بال کو ہولڈ کرے. سید غازی کی لانگ کک اور ڈیفینڈر وہاں پہ موجود وزیرستان کے, رحمان اللہ نیچے آئے ہیں, فہیم اللہ کے پاس بال آئی, سمیع اللہ, رحم اللہ, رضا اللہ نے لانگ کک زاہد رحمان کی طرف رائٹ آؤٹ کی پوزیشن پہ موقع گنوا چکے ہیں فہیم اللہ اور زاہد رحمان.
زاہد رحمان ینگ پلیئر ہیں وزیرستان کمبائن ٹیم کے. ڈیفنس میں تھوڑی سی شفلنگ نظر آ رہی ہے چترال کی ٹیم میں, کافی گیپ دے رہے ہیں اسٹرائکرز کو. کیا کہیں گے آپ, زاہد رحمان, مان اللہ, فہیم اللہ خطرناک ہو سکتا ہے اور آف سائڈ قرار دیے گئے فہیم اللہ. ڈیفنس میں باسط کمال, کے پی کے فٹ بال کی شخصیت. اور دوسرا ہاف ہے, برتری ابھی تک برقرار ہے, ایک مقابلے میں دو گول کی برتری حاصل ہے چترال کی ٹیم کو. دوسرا ہاف, دوسرا سیمی فائنل یو فون 4G فٹ بال کپ 2021 کا دوسرا سیمی فائنل. مردان کی ٹیم فائنل تک رسائی حاصل کر چکی ہے. کراس کیا, خطرناک ہو سکتا تھا اور امان اللہ نے بال کو حاصل کیا. چترال کے لیے کوشش تھی لیکن انور خان میچ کو سپروائز کرتے ہوئے. تماز خان فٹ بال اسٹیڈیم پشاور شاہی باغ کے بالکل نزدیک, یہ بڑا خوبصورت فٹ بال اسٹیڈیم ہے. تماز خان ایک سابقہ فٹ بال لور تھے, فٹ بال کے لیے بڑی خدمات تھی ان کی اور کافی عرصے تک اسی گراؤنڈ میں فٹ بال کے حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے تھے. ان کے نام سے یہ نا اسٹیڈیم منسوخ کر دیا گیا. اور رحمان اللہ سینئر کھلاڑی ہیں اور کراس کھیلتے ہیں, روماریو سٹائل سے کھیلتے ہیں رحمان اللہ, کیونکہ بال کو کنٹرول کرتے ہیں, ڈیفینڈر کو اپنے پاس لاتے ہیں اور تاکہ وہ رف اینڈ ٹف پوزیشن پہ ہوتے ہیں. روماریو کو میں بھی کہ وہ اپنا انسپائر ہوتے ہیں اس سے, کیونکہ بہت بڑا نام ہے روماریو برازیل کا. تو گول کیپر بر وقت پہنچے چترال کے, میسی کو فالو کرتے ہیں. آپ بھی غور زمان کسی بین الاقوامی سطح کے انٹرنیشنل پلیئر کو ضرور فالو کرتے ہوں گے, پیلے کو, میراڈونا کو, میسی کو. تو ہم بھی آج کل میرے تو جو فیورٹ پلیئر تھے وہ آج کل موڈرک جو کہ مڈ فیلڈ کے کھلاڑی ہیں, ریئل میڈرڈ میں کھیل رہے ہیں, کروشیا کے. بہت کول اینڈ کام مڈ فیلڈ پلیئر ہیں وہ, اور اس ٹائم کافی ہولڈ کیا ہوا ہے وزیرستان کی ٹیم. فزیکل کانٹیکٹ ہوا آپس میں ان کا اور گراؤنڈ میں گرے ہوئے ہیں چترال کے تین نمبر کی شرٹ پہنے ہوئے. اظہار احمد ہیں جو کہ انجرڈ ہوئے ہیں, اظہار احمد جی. آصف خان آپ کیا کہیں گے بین الاقوامی سطح کے جو انٹرنیشنل پہ ابھی بیلون ڈور ساتویں دفعہ بیلون ڈور ملا ہے میسی کو. یہ ریپلے میں دیکھیں فزیکل کانٹیکٹ ہوا اور ٹکرائے ہیں آپس میں پلیئر. تو اظہار احمد چترال کے کھلاڑی جو کہ گراؤنڈ میں ہیں. سید غازی نے فاؤل کک لی, محمد رسول ڈلیور کرنا چاہتے تھے, کلیئرنس ہوئی. ابھی جو فیفا پلیئر آف دا ایئرس کا اوارڈ میسی ایک دفعہ پھر لے گئے اور کیا کہیں گے غور زمان کہ کیا آپ کو پتہ تھا بیلن ڈور کے حوالے سے جو فٹ بال پلیئر آف دا ایئر کا اوارڈ میسی کو ملا, اسے سکس ٹائم, اسے چھویں دفعہ ملا ہے. اور وہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں جو کوپا امیرکا تھا وہ اس کا اپنے ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے گول سکور کیے ہیں, آپ نے کتنے اسسٹ کیے ہیں, آپ نے کتنے چانسز کریٹ کیے ہیں, آپ نے کتنے مطلب ہے کہ میچ ایسے تھے جو گول وننگ تھے. اس پورے کرائیٹیریا میں صرف ایک دو چیزوں میں جو اس کا لیونڈسکی جو تھا ساتھ اور وہ کریم بنزیما تھا وہ ایک آدمی, باقی ہر چیز میں میسی ڈومینیٹ کر رہا تھا. تو اس کا محمد رسول, امان اللہ خار سے بات ہوئی اور اچھی کوشش تھی لیکن ڈیفینڈر وہاں پہ موجود وزیرستان کے, اور پھر ڈیفینڈر نے بال کو حاصل کیا. دوسرا ہاف ہے, ایک گول کے خسارے میں ہے وزیرستان کمبائن کی ٹیم. جی رابرٹ لیونڈوسکی کا کافی فرق تھا پوائنٹس کا, اٹیک تھا اور لانگ رینج ٹرائی کرنا چاہتے تھے چترال کے آٹھ نمبر کے کھلاڑی افتخار احمد,
और वज़ीरिस्तान के खिलाड़ी, छः नंबर के खिलाड़ी ग्राउंड पे हैं, नवीद खान ग्राउंड पे गिरे हुए हैं, ये वली खान गोलकीपर। तो जो आप वो बात कर रहे थे जो बैलन डोर का, वो उसका एक पूरा क्राइटेरिया होता है कि आपने चैंपियंस लीग के कितने मैचेस खेले हैं, उसमें आपकी क्या वो थी कि आपने अगर फॉर एग्जांपल गोल कितने किए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कितने क्रिएट किए, आपने असिस्ट कितने किए हैं, आपने टैकल्स कितने किए, आपने टैकल विन कितने किए, आपने कितने, मतलब हर चीज़ को जो है ना पूरा वो काउंट किया जाता है। बिल्कुल सही गौरजमान, मैं एक और चीज़ सामने उनको बताता चलूँ कि 1956 में शुरू होने वाला बैलन डोर पहली दफ़ा लाइबेरिया के फुटबॉलर ने जीता था, जॉर्ज वेया जो आजकल लाइबेरिया के प्रेसिडेंट हैं। जॉर्ज वेया पीले और ये उस वो के थे, वो बहुत आउटस्टैंडिंग और प्लेयर थे। और रहमानुल्लाह खतरनाक हो सकता है, वज़ीरिस्तान की तरफ से हमला है, फहीमुल्लाह ने जगह बनाई है अपनी, देखने हैं बॉल, लेकिन इफ्तिखार कोशिश की थी वज़ीरिस्तान के खिलाड़ी ने। वज़ीरिस्तान कंबाइन अटैक के साथ मोहम्मद रसूल हैं, खतरनाक खिलाड़ी हैं मोहम्मद रसूल के साथ, इफ्तिखार अहमद माइनस किया बॉल, लेकिन गोलकीपर और इफ्तिखार अहमद वली खान ने बॉल को हासिल किया। आप देख लें आसिफ, अगर आप वो देख रहे हो वही बॉल इनको डेंजर होता है, क्योंकि जब इन पे अटैक होते तो ये जल्दी ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे हैं, जब ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे तो उस वजह से अंडर अटैक आ जाते हैं। आप रसूल को देखो बिल्कुल फ्री बॉल मिल रहा है लेफ्ट फुल बैक, और ये अपने उस पोजीशन पे जो है ना जो होते हैं, अगर ये अपने पोजीशन पे होते तो फिर इतना वो डेंजर नहीं होता। जी हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, वज़ीरिस्तान की टीम यंग है, उनके मुकाबले चित्राल की टीम में बहुत तजुर्बेकार खिलाड़ी मौजूद हैं, उसका उनको यकीनन फ़ायदा है, लेकिन इस हाफ में वज़ीरिस्तान की टीम बिल्कुल मुख्तलिफ खेली है और बहुत अच्छी तरह से अटैक भी किए हैं, बहुत अच्छी तरह डिफेंस भी उनका काफ़ी मौसर नज़र आया है। इस दफ़ा डिफेंस का इम्तहान वज़ीरिस्तान के, और माइनस किया था बॉल, लेकिन कोई ज़्यादा नंबर्स में मौजूद नहीं थे चित्राल के खिलाड़ी तो फ़ायदा नहीं उठा सके। बिल्कुल फाउल, फ्री किक आउट ऑफ द बॉक्स चित्राल टीम के पास राइट से कि डिलीवरी, कैसे ये बॉल डिलीवर करते हैं एक इंटरेस्टिंग पोजीशन पे, फ्री किक चित्राल टीम के पास, रसूल ने आगे रन किया और गोलकीपर ने टाइम भी बड़ा अच्छा पंच किया बॉल को बॉक्स से बाहर, काउंटर है और ये थ्रो चित्राल टीम के पास, इकरामुल्लाह असिस्टेंट रेफरी, संगीन खान चित्राल के एक्स प्लेयर वो भी लाइन पे मैं देख रहा हूँ चित्राल टीम के साथ। वली बड़े टैलेंटेड यंग गोलकीपर हैं, लॉन्ग किक नो डाउट, सेकेंड हाफ जो है वज़ीरिस्तान एज कम्पेयर टू फर्स्ट हाफ बड़ा अच्छा खेल रही है, ये फहीमुल्लाह जिन्होंने गोल किया बड़े टैलेंटेड यंगस्टर हैं। और इस टाइम मैच नाजरीन यूफुन 4G फुटबॉल कप तहमास खान फुटबॉल स्टेडियम से सेकेंड सेमीफाइनल बराए रास्त, जो कि वज़ीरिस्तान की टीम एक गोल चित्राल 2 तहमास खान फुटबॉल स्टेडियम से बराए रास्त, ऑरेंज शर्ट में चित्राल की टीम जबकि ब्लैक शर्ट में वज़ीरिस्तान कंबाइंड की टीम। इस टाइम नाजरीन 2-1 से चित्राल डोमिनेट कर रहा है इस सेमीफाइनल को, अभी तक 70 मिनट्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स बाकी है, देखेंगे कि वज़ीरिस्तान कंबाइंड कोच की क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या वो ऐसे चेंजेस या क्या ऐसे वो इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं फहीम
फहीम का बड़ा अच्छा बॉल, रहमतुल्ला ने बॉल चेस्ट पे लिया, रहमानुल्ला अच्छी कोशिश थी फहीमुल्ला और रहमानुल्ला की, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी मुझे दिखाई दे रही है। अगर टॉप डी पे अब डिफेंडर्स को बीट करना होगा और टॉप डी पे जाना चाहते हैं, जिसके अंदर खतरनाक हुए और कॉर्नर किक लेने में कामयाब हुए रहमानुल्ला। दूसरा हाफ है, दूसरा सेमीफाइनल है यूफुन 4G फुटबॉल कप 2021 का। अब देखते हैं कि कॉर्नर किक लगी, हेड पे खिलाड़ी मौजूद नहीं और क्लियरेंस हुई डिफेंडर की तरफ से। तिमास खान फुटबॉल स्टेडियम पिशावर, शायकीन की तादाद सख्त सर्दी में भी मौजूद हैं, दाद देता हूं इनको कि ये सख्त सर्दी में भी बैठे और फुटबॉल सख्त सर्दी है। और कमेंट्री बॉक्स में भी हमारे साथ आसिफ खान और गौहर जमान मौजूद हैं। मोहम्मद रसूल गोल स्कोरर है इस मैच के, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं बैन अल-अक़वामी सतह पे। ज़ियाउस्सलाम खतरनाक खिलाड़ी हैं, एक दफ़ा फिर बॉल डिलीवर करना चाहते थे लेकिन कोशिश रह गई। वली खान की लॉन्ग किक, बहुत ज़बरदस्त ट्राई की थी इससे पहले फहमुल्ला ने। और मैं बताता चलूं कि एक गोल की अभी भी बढ़तरी बरकरार है और शायकीन की तादाद यहां पे मौजूद है और तमाश खान स्टेडियम पैक हो चुका है और कोई जगह खाली नहीं है। गौर जमान, बिल्कुल नो डाउट कि क्राउड ने अपना पूरा हक अदा किया अपनी दोनों टीम को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड में मौजूद। फहीमुल्ला जो गोल स्कोरर हैं वज़ीरिस्तान की तरफ से, बॉल रेफरी को बॉल लगा, डेफिनेटली ये कामन बॉल होगा और आई थिंक वज़ीरिस्तान ही स्टार्ट करेगी ये बॉल। और नाज़रीन अभी तक मैच जो है 2-1 से चतराल जीत रही है। सेकंड सेमीफाइनल यूफुन 4G फुटबॉल टूर्नामेंट का तहमास खान फुटबॉल स्टेडियम से बराए रास्त, और ये मैच नाज़रीन PTV पे बराए रास्त नशर हो रहा है। अजमल, आपने माशाल्लाह इंटरनेशनल मैचेस भी देखे हैं पाकिस्तान में भी, अगर आप इस मैच को देखो और एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल मैचेस, नो डाउट कि इंटरनेशनल मैच की अपनी एक इंटेंसिटी होती है, अपना एक वो होता है, लेकिन जो यहाँ पे अरेंजमेंट, जो आप कैमरे और जो फैसिलिटीज़ और जो प्लेयर्स के लिए वो किए हैं, तो और जो इस टाइम ग्राउंड में क्राउड का एटमोसफेयर है, नो डाउट कि ये एक इंटरनेशनल मैच की कॉपी है। बिल्कुल, पाकिस्तान में अच्छी कोशिश थी और गोलकीपर वहाँ पे मौजूद अजहर जो कि यंग गोलकीपर हैं, बड़ी अच्छी किक लगाते हैं, मैंने देखा है कि डी टू डी मार्क करते हैं और बिल्कुल मसनूई रोशनी में खेले जाने वाला ये दूसरा सेमीफाइनल। पहला सेमीफाइनल मर्दान की टीम ने चारसद्दा की टीम को शिकस्त दी, मानुल्ला को रोकने की कोशिश की और फाउल किक मिली चित्राल की टीम को। बेपनाह टैलेंट मौजूद है चित्राल में और आपके कौमी सतह पे नुमाइंदगी का एजाज़ भी रखते हैं चित्राल के फुटबॉल। इजहारुल्ला खतरनाक खिलाड़ी हैं, मैनेज किया और कॉर्नर किक लेने में कामयाब हुए इजहारुल्ला। पहले हाफ में ज़ियाउस्सलाम और मोहम्मद रसूल ने चित्राल की टीम को बढ़तरी दिलवाई और दूसरे हाफ में फहीमुल्ला ने उस बढ़तरी को कम किया और एक गोल वज़ीरिस्तान कंबाइन की तरफ से करने में कामयाब हुए। अजमल, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में हमारे बड़े फिंगर टिप्स पे क्वालिफाइड कोचेस हैं और नो डाउट के हमारे सीनियर्स में सर तारिक लुत्फ़ी, सर अख्तर मोहिद्दीन और सर सदीक शेख, वो उनका एक बड़ा नाम है, लेकिन यंग कोचेस में मैं डेफिनेटली शहजाद अनवर जो प्रो लाइसेंस हैं FIFA AFC के, और नासिर इस्माइल, हबीब, तनवीर, सजाद, असलम ख़ान, ये काफ़ी जो यंग टैलेंटेड कोचेस हैं। नजमी अल्लाह बख्शे वो फोत हो गए थे,
हसन जो यंग कोचेज में, तो अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ इस टाइम आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये काफ़ी वो था। नाम भूल रहे हैं, एक नाम आप भूल रहे हैं, गौर जमान भी हैं कि गौर जमान ठीक है कोशिश बराबर हो सकता है लेकिन ऑफसाइड करार दिए गए। फहीमुल्ला थे बिल्कुल पाकिस्तान की जो क्वालिफाइड कोचेज हैं उन्होंने काम किया यूथ डेवलपमेंट के ऊपर, शहजाद अनवर ने बहुत काम किया, सरगोजा से इनका ताल्लुक है, यंग टैलेंटेड प्रो लाइसेंस कोच हैं और अभी भी इस्लामाबाद की एक निजी क्लब को ट्रेनिंग करवाते हैं और बड़े ज़बरदस्त टैलेंट हंट माइंड कोच हैं और उसके अलावा और भी कोचेज हैं जो काम कर रहे हैं। तो हमें अटैक है वज़ीरिस्तान की जानिब से, माइनस किया, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, फहीमुल्ला मौजूद हैं और जाहिद रहमान की तरफ बॉल जाती है लेकिन वज़ीरिस्तान की 11 नंबर की शर्ट पहने हुए सबूर वहां पे मौजूद थे। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है मैच में तेज़ी आती जा रही है क्योंकि चित्राल की टीम को बढ़तरी हासिल है और चित्राल की टीम डिफेंसिव होती जा रही है। गौर जमान हालांकि अटैक खतरनाक हो सकता है लेकिन डिफेंडर वहाँ पर मौजूद और बढ़तरी बदस्तूर बरकरार है चित्राल की। गौर जमान बिल्कुल चित्राल इस टाइम थोड़ा बहुत अंडर प्रेशर भी है और वज़ीरिस्तान पॉजिटिव तरीके से जो है ना सेकंड हाफ खेल रही है। तो मैं उसमें ये बात मैं किस सिनेरियो में कर रहा था कि शहजाद अनवर के साथ अक्सर डिस्कशन होती है फुटबॉल से रिलेटेड, तो उसने एक स्लाइड साथ शेयर की कि इंटरनेशनल सक्सेस में जो सबसे टॉप पे जो बात आती है जो सबसे टॉप पे कल्चरल कमिटमेंट, और ये आप सामने ग्राउंड में देख रहे हैं जो क्राउड है डैट इज़ अ कल्चरल कमिटमेंट, डैट इज़ अ कल्चरल कमिटमेंट। चित्राल की टीम इस टाइम ग्राउंड में सेमीफाइनल खेल रही है कल्चर कमिटमेंट, वज़ीरिस्तान की टीम खेल रही है कल्चर कमिटमेंट, उनके आप खुद सोच उनके सपोर्टर वज़ीरिस्तान से आए हुए हैं, चित्राल से 20 घंटे का सफ़र करके आए, वज़ीरिस्तान से 12-15 घंटे का सफ़र करके आए पेशावर में मैच देखने के लिए, ये कल्चर कमिटमेंट होता है और ये एक सक्सेस होता है। जी बिल्कुल सही कहा क्योंकि मुस्लिम क्लब चमन की टीम अपने क्राउड की ऑक्सीजन के साथ आएगी अगर वो क्राउड आता है, और क्योंकि अपने होम स्टेशन के ऊपर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है मुस्लिम क्लब चमन की टीम ने, और वज़ीरिस्तान कंबाइंड की टीम कल्चरल कमिटमेंट टॉप पे आती है नो डाउट, और क्योंकि जो सपोर्टर्स होते हैं वो आपको ऑक्सीजन की सूरत में होते हैं, आपको चीयर अप करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, और अभी जितने भी कोविड 19 की वजह से मैचेस हुए हैं उसमें क्राउड नहीं था और उनको भी मज़ा नहीं आया, बड़े बड़े प्लेयर्स ने रोनाल्डो ने मेसी ने और भी प्लेयर्स ने कहा कि हमें क्राउड के बगैर मज़ा नहीं आ रहा। तो कंबाइन वज़ीरिस्तान की तरफ से अटैक है, रहमानुल्ला बीट करना चाहते थे लेकिन डिफेंडर वहाँ पर मौजूद चित्राल के, जैसे सॉरी मैंने अब कहा कि कल्चर कमिटमेंट, फिर कल्चर कमिटमेंट के साथ साथ जो दूसरी तीसरी चीज़ आती है कंपटीशन स्ट्रक्चर जो यूफुन प्रोवाइड कर रहा है, और आई एम रियली अप्रिशिएट यूफुन की जो कमिटमेंट है जो कंपटीशन स्ट्रक्चर जो वो ऑर्गेनाइज कर रही है वो आपकी सेकंड सक्सेस में जो है ना वो आपको आगे लेके जा रही है। यूफुन 4G फुटबॉल टूर्नामेंट में आप खुद सोच लो 20 से 22 डिस्ट्रिक्ट एक्टिव हुए हैं, इसमें तकरीबन कितने 100 प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद ये क्रीम आकर सेमीफाइनल खेल रही है, सेम इस तरह बलोचिस्तान में किया, और अगर ये थ्रू और पाकिस्तान में हो फिर इसी तरह ये कंपटीशन स्ट्रक्चर और बढ़ता रहे और ज़्यादा और पूरा एक प्लेटफॉर्म प्लेयर्स को मिले, इसमें आप फिर स्काउटिंग करो एक प्रॉपर टीम बनाओ, वो दिन दूर नहीं कि वी हैव टू सक्सेस। जी हाँ गौर आपने ठीक कहा, बलूचिस्तान में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें 69 रीजन्स की टीम्स खेली थी, यहाँ पर 75 टीम्स खेली हैं, तकरीबन 150 के करीब टीम्स खेली हैं टूर्नामेंट्स में, तो पाकिस्तान में फुटबॉल का टैलेंट बेपनाह, लेकिन टैलेंट को चैनलाइज करना होता है। अब ये लड़के यहाँ से खेल लेंगे फिर कहाँ जाते हैं फिर कहाँ जाएंगे, उनको ट्रैक करना, अब आपकी बात मुझे याद है आपने मुझे कोई 3 साल पहले की थी कि टैलेंट को आइडेंटिफाई करना कुछ नहीं है, वो यू हैव टू फॉलो द टैलेंट, आपके लफ्ज़ मुझे याद है अभी, तो ये फॉलो टैलेंट का क्या प्लान होना चाहिए उसमें। आसिफ आपने बड़ी अच्छी अच्छी बात की कि प्लान क्या होना चाहिए, बदकिस्मती से 5-6 साल से हमारे फेडरेशन जो है ना वो बैन है, और हमारे फेडरेशन से हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो हैं चाहिए कि जो ये टैलेंट जब वो स्काउट होते हैं वो सक्सेस में फिर वो होते हैं कि स्काउटिंग प्लेयर्स को स्काउट करना नो प्रॉब्लम, लेकिन इस प्लेयर्स को स्काउट करके उसको इस टैलेंट को कैसे मैनेज करना है कैसे फॉलो करना है, फॉलो अप ये कि इसके लिए प्रॉपर एकेडमी हो प्रॉपर क्वालिफाइड कोचेस हो थ्रू आउट द ईयर कैलेंडर हो,
कि किस किस दिन में ये ट्रेनिंग इसकी किस किस महीने में ट्रेनिंग होंगे, किस दिन में ये फ्रेंडली इंटरनेशनल खेलेंगे, किस इसमें कंपटीशन खेलेंगे। वज़ीरिस्तान की तरफ से अटैक है और बीट करना चाहते थे रहमानुल्लाह, फहीमुल्लाह ने बॉल को हासिल किया वज़ीरिस्तान के लिए। टॉपटी पे ट्राई करना चाहते थे लेकिन डिफेंडर वहां पे मुझे देखता हूँ फिर रॉन्ग पास हुआ। गलत पासिस के बिना पे टीमों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और हल्का सा भी कहीं रॉन्ग पास हो जाए तो अटैक है। फहीमुल्लाह रजाउल्लाह अटैक है वज़ीरिस्तान की तरफ से, एक गोल के खसारे में है और गोलकीपर वहां पे मौजूद चित्राल के, उन्होंने दूसरा हाफ है और चित्राल की बढ़तरी बरकरार है अभी तक। जहर जब स्टार्ट में दो गोल स्कोर किए पहले हाफ में चित्राल ने तो कुछ नज़र आ रहा था कि कुछ ज़्यादा गोल होंगे। अच्छा बीट किया लेकिन अमानुल्ला लेट हो गए, मोहम्मद रसूल ने अच्छा मिस कराया था, बॉल अच्छा पहुंचा लेकिन वहाँ पे डिफेंडर्स की भी आप रजाउल्लाह की आप कमिटमेंट देखें, कैप्टन है वज़ीरिस्तान की टीम, पीछे आए हुए थे और डिफेंस के हेल्प के लिए। ये देखें नाज़रीन क्राउड कल्चर कमिटमेंट, कल्चर कमिटमेंट ये है, इस सर्दी में बैठे हुए अपने दोनों टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल सक्सेस के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए, कंपटीशन स्ट्रक्चर यूफून आपको दे रहा है, स्काउटिंग चाहिए कि इस तरह की टीम इस तरह के टूर्नामेंट से स्काउटिंग हो, फिर उसकी प्रॉपर कैंपिंग हो, ट्रेनिंग हो, फ्रेंडली मैचेस हो, थ्रू आउट द ईयर पूरा शेड्यूल हो। रहमानुल्लाह लेट हो गए, यहाँ पे यंग और स्पीडी खिलाड़ी का होना जरूरी था लेकिन देखते हैं कि वज़ीरिस्तान की टीम इतना कमबैक करती है। मज़हर अली खान 14 नंबर की शर्ट पहने हुए चित्राल के यंग प्लेयर हैं, स्टूडो के ग्राउंड में आए थे और अब एनर्जी दिखा रहे हैं मोहम्मद रसूल के साथ स्ट्राइकर पोजीशन में, अब अपनी डिफेंस को सपोर्ट करने के लिए नीचे उतरे हैं, बैक साइड पे उनके साथ विंगर्स के साथ खड़े हैं और रहमानुल्लाह फहीमुल्लाह और रजाउल्लाह को कवर किए हुए हैं। लॉन्ग क्लियरेंस और डिफेंसिव दिखाई दे रही है चित्राल की टीम अभी तक, और क्योंकि कुछ ही मिनट रह गए हैं मैच के मुकर्रर वक्त के एडी टाइम के अलावा, चिकी हुए और काउंटर अटैक पर जियाउल इस्लाम, इफ्तिखार, मज़हर अली खान, मोहम्मद रसूल, खतरनाक हो सकता है लेकिन डिफेंडर वहां पे मौजूद वज़ीरिस्तान के नवीद खान थे। नवीद खान बर वक्त पहुंचे और वरना अगर मोहम्मद रसूल उनको बीट करते तो खतरनाक हो सकता था। गौर जमान बिल्कुल काउंटर अटैक था लेकिन डिफेंडर की बिल्कुल टाइमली बॉल क्लियर किया। जियाउल इस्लाम माइनस किया, हेड के जरिए गोल करने की कोशिश, सईदुल गाजी और सईद गाजी से अच्छी कोशिश थी लेकिन वली खान वहां पे मौजूद। सईद गाजी अटैक पे आए थे, लास्ट डिफेंडर हैं चित्राल के और अच्छी कोशिश थी। भरपूर फायदा उठाते हुए गोलकीपर चित्राल के। दूसरा हाफ, दूसरा सेमीफाइनल यूफुन 4G फुटबॉल कप 2021। इफ्तिखार है, पी के अंदर माइनस किया और मोहम्मद रसूल वहां पे मौजूद है और मिस कर गए, यकीनी गोल मिस किया और फहीमुल्लाह ने बॉल को हासिल किया, रजाउल्लाह ने बॉल को हासिल किया, लॉन्ग में रहमानुल्लाह, काउंटर अटैक है, खतरनाक हो सकता है चित्राल के लिए, यकीनी गोल जाया किया उन्होंने मोहम्मद रसूल ने, बड़ा अच्छा माइनस किया था। इफ्तिखार ने बहुत जबरदस्त माइनस करवाया था और क्लियर चांस था मोहम्मद रसूल के पास, मिस कर गए, यकीनी गोल था
और ये देखें इफ्तिखार ने बड़ा अच्छा माइनस किया। बिल्कुल वीक फिनिशिंग थी वो, एक मेरे ख्याल में इतना मैच्योर और सीनियर प्लेयर से इस तरह का गोल मिस करना मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मैं वही कहूंगा कि मुझे लग रहा है बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हुए। इफ्तिखार ने बड़ा जबरदस्त कटबैक किया और तरफ से 100% कंफर्म कर गए थे, और रसूल ने इवन रसूल ने बॉल प्लेस किया ये आप देखें, लेकिन वो बॉल कल खान बरवक एंकल का जो जिस हिस्से को बॉल को लगना चाहिए था वो पूरा नहीं लगा, से बॉल मिस हुआ। नवीद खान ने बड़ा अच्छा कमबैक किया और बड़ा अच्छा सेव किया गोल, लेकिन अभी भी एक गोल के खसारे में है वजीरिस्तान कंबाइन की टीम। वजीरिस्तान एक गोल के खसारे से, लेकिन दूसरा हाफ बड़ा पॉजिटिव खेला वजीरिस्तान की टीम, और स्टिल आई क्रेडिट गोज टू वजीरिस्तान के वो बिल्कुल मतलब है कि कोई ऐसे कोशिश थी इंटरनेशनल प्लेयर्स या कोई इस तरह एक्सपीरियंस, बस बिल्कुल अपनी जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके साथ ही आकर एक ऑलमोस्ट बड़ी ठीक ठाक टीम जो है चतराल की, 5-6 इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं और उसके साथ 2-1 अगर ये खेल रही है तो स्टिल क्रेडिट गोज टू वजीरिस्तान टीम भी अच्छा खेली है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि स्टार्ट में जब दो गोल हो गए थे तो कुछ वन साइडेड मैच की रुको की जा रही थी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त खेल पेश किया वजीरिस्तान कंबाइंड टीम के फुटबॉल के प्लेयर्स ने, उन्होंने कमबैक किया और एक गोल का खसारा भी कम किया। 2-1 का स्कोर है। फहीमुल्ला, रजाउल्ला, रहमानुल्ला ये फॉरवर्ड लाइन है। रहमानुल्ला ब्लाइंड बॉल दिया जाहिर रहमान की तरफ, लीड नहीं किया था उन्होंने शमसुर रहमान को। 14 नंबर की शर्ट पहने हुए शमसुर रहमान ग्राउंड में आए हैं और अनवर खान मैच को सुपरवाइज करते हुए, पहला मैच इकरामुल्ला ने भी बड़ा अच्छा सुपरवाइज किया। तादाद SOPs COVID-19 को सामने रखते हुए तमाम के तमाम शायकीन मास्क पहने हुए बहुत सी जगहों के ऊपर मैं देख रहा हूँ, तो बड़ा क्राउड है तमाश खान स्टेडियम में। गौहर जमान फुटबॉल लवर्स और पेशावर सिटी, आपका ताल्लुक भी पेशावर से है। रहमान वजीरिस्तान के लिए लेफ्ट से ट्राई करते हैं और बॉल मिस हुआ। अटैक अब चित्राल की तरफ से मोहम्मद रसूल आलमगीर गाजी, लेकिन और गोलकीपर वली खान इफ्तिखार अहमद मोहम्मद रसूल साकिब निज़ाम आए हैं मोहम्मद रसूल की जगह गालबन, क्योंकि वो चेंज हुए नज़र नहीं आ रहे मोहम्मद रसूल। इजहारुल्ला चित्राल के लिए, इफ्तिखार अहमद बड़ा अच्छा बॉल माइनस किया था इफ्तिखार अहमद। और ये एडिट टाइम 4 मिनट का इजाफी वक्त दिया गया है फोर्थ ऑफिशियल की जानिब से। हदायतुल्ला एडिट टाइम दिया है 4 मिनट। सख्त सर्दी है और क्राउड ने फुल कमिटमेंट की अपने सपोर्टर्स सपोर्ट करने के लिए अपनी टीम को, जितने भी सपोर्टर आए हैं यार ये ग्राउंड में जो है इनको सबको बाहर कर दिया। और कॉर्नर किक मिली है चित्राल की टीम को। चित्राल एक के मुकाबले में 2 गोल की सबकत लिए हुए है यूफुन फौजी फुटबॉल कप 2021 में तमाश खान स्टेडियम पेशावर में। मेंट्री बॉक्स में आसिफ खान और गौहर जमान मेरे साथ मौजूद हैं। इजहारुल्ला कॉर्नर किक लेंगे और इफ्तिखार अहमद और मजहर अली खान और साकिब निज़ाम। इजहारुल्ला की लॉन्ग रेंज ट्राई थी और वली खान
गोलकीपर अलर्ट, वजीरिस्तान की तरफ से अटैक है, लॉन्ग किक करना चाहते थे, अपने ही हाफ में अभी बॉल है उनके और फहीमुल्ला ने बॉल को हासिल किया, लॉन्ग रहमानुल्ला की तरफ, वली खान ने लॉन्ग किक की, मजर नजर अली खान, यंग प्लेयर हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं और अभी साकिब निजाम, जियाउसलाम की लॉन्ग रेंज किक, बहुत खूबसूरत गोल किया है जियाउसलाम ने, जियाउसलाम का बहुत ही खूबसूरत गोल, बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, आउटस्टैंडिंग, अगर बट अ ग्रेट गोल अजमल, अगर इस गोल को गोल ऑफ द टूर्नामेंट कहूँ, जितने भी इवेंट हुए हैं दोनों बलोचिस्तान और इसमें, तो ये बिल वो ये गोल गोल ऑफ द टूर्नामेंट होगा। व्हाट अ स्ट्राइक, व्हाट अ स्ट्राइक, बिलीव मी, बिल्कुल जैसे आप कोई चैंपियंस लीग का मैच देख रहे हो, ऐसे गोल जबरदस्त। चित्राल का क्राउड अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए, चित्राल के फुटबॉल लवर्स, वली खान एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लॉन्ग रेंज में जियाउसलाम गोल करेंगे, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा आगे थे, जिस वजह से ये रिप्ले में देखिएगा जियाउसलाम ने रीड कर लिया था वली खान को गलबन, और लॉन्ग रेंज ट्राई की थी और पिछले पीछे यहाँ पे अजमल, मैं यहाँ पे क्रेडिट डेफिनेटली अपने कैमरा टीम्स को दूंगा, पीटीवी को, व्हाट अ कवरेज, व्हाट अ गोल, बहुत खूबसूरत एंगल और बहुत खूबसूरत गोल जियाउसलाम का, व्हाट अ कवरेज एंड व्हाट अ गोल, डेफिनेटली पीटीवी कैमरा टीम को जितना भी वो करेंगे, मेरा फेवरेट प्लेयर याद कर दिला दिया उन्होंने, रोबर्टो कार्लोस या डेविड बेकहम, वो मारते थे इस तरह की जी। रोबर्टो कार्लोस ने फैबियन बाथिस के आगे 135 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो गोल किया था वो फ्रांस के खिलाफ मुझे अभी भी याद है, और बहुत तेज किक थी और जियाउसलाम ने वली खान को दूर से ही रीड कर लिया था, और जरा देर हो गई वली खान को गौर जमान, नो डाउट वो स्ट्राइक इतनी क्लीन और इतनी पावरफुल और इतनी एक्यूरेट कि वली खान जज ना कर सके, और चूंकि मैच भी फ्लड लाइट मैच है, डेफिनेटली इसमें थोड़ा बहुत वो एक लाइटिंग का भी होता है, लेकिन जो स्ट्राइक जियाउसलाम ने लिया काफ़ी आई थिंक 30 यार्ड से, बड़ा क्लीन और जो उसका टेक्निक था, जैसे फॉलो थ्रू द बॉल, और एक दफा फिर बॉल इजहार के पास, बड़ा अच्छा बॉल मिल गया था इजहार को, मिस किया इजहारुल्ला, चौथा गोल आराम से, खतरनाक खिलाड़ी हैं, बहुत जबरदस्त स्पीडी प्लेयर हैं, ये देखें रिप्ले में लेफ्ट से बॉल को फोर्सफुल करने की कोशिश की थी, अगर देखते गोल पोस्ट की जाने तो अपने राइट से प्लेस भी करते, और इस तरह मैच का दूसरा हाफ चित्राल की जीत के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। चित्राल की टीम ने वजीरिस्तान कंबाइंड टीम को यूफुन 4G फुटबॉल कप 2021 तमास खान फुटबॉल स्टेडियम पिशावर में शिकस्त देने के बाद फाइनल तक रिसाई हासिल कर ली है। फाइनल में मार्का होगा मर्दान की फुटबॉल टीम के साथ, मर्दान और चित्राल की टीमें आमने सामने होंगी तमास खान स्टेडियम में, जमे गफील शायकीन है फुटबॉल का। चित्राल का ये क्राउड अपने फुटबॉल प्लेयर्स को और चित्राली रक्स पेश करते हुए उनके खिलाड़ी, चित्राल का बिल्कुल एक जो कल्चरल रक्स है, अपनी खुशी को इसी तरह ये एंजॉय करते हैं, और मैं इस मैच में जियाउसलाम को डेफिनेटली क्रेडिट गोस टू जियाउसलाम, मोहम्मद रसूल गोल स्कोरर हैं, गोल स्कोरर क्यादत भी कर रहे हैं आज की टीम को, और मोहम्मद रसूल ने नेशनल टीम से भी खेले और इस टाइम चित्राल की टीम की कैप्टन है इजहारुल्लाह, इफ्तिखार अहमद, बहुत जबरदस्त मैच था और शायकी ने फुटबॉल के लिए बहुत ही खूबसूरत इजहारुल्लाह को कंधे पर उठाए हुए शायकीन, क्राउड ने चित्राल की फुटबॉल टीम ने एक के मुकाबले में तीन गोल से शिकस्त देने के बाद यूफुन 4G फुटबॉल कप 2021 का फाइनल खेलने का एजाज हासिल कर लिया। पिछले साल भी फाइनल चित्राल की टीम ने खेला था और पिशावर की टीम से पेनल्टी किक्स पेशकश खाई थी, इस दफा फिर फाइनल खेलने का एजाज हल किया है चित्राल की टीम को, गौर जमान क्या कहेंगे? मैं आपको एडवांस में कह दूं कि चित्राल इसके भी के विनर, चित्राल को नो कोई रोक नहीं सकता इस टाइम, चित्राल आई थिंक इस टूर्नामेंट का फाते होगा।
जी आपकी प्रेडिक्शन भी आ गई और चित्राल को हार्ड फेवरेट कर दे दिया है गौर जमान ने, हमारे एक्सपर्ट ने, और चित्राल की टीम ने आज कंबाइंड वजीरिस्तान की टीम को एक के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। और मर्दान को क्या स्ट्रेटजी बनानी होगी, अब मर्दान के कोच और उनके मैनेजर और उनके प्लेयर्स यकीनन इस पे मसरूफ अमल होंगे कि हमने इनके खिलाफ क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है फाइनल मैच में, क्योंकि चित्राल की फॉरवर्ड लाइन, उनकी मिडफील्ड, उनके साइड, क्योंकि दूसरे हाफ में ये देखिएगा ज़ियाउस्सलाम का बहुत खूबसूरत गोल, लॉन्ग रेंज ट्राई थी और वली खान के पास कोई चांस नहीं था, बड़ा ही ज़बरदस्त खूबसूरत गोल किया ज़ियाउस्सलाम ने। साबका इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, खान रिसर्च लेबॉर्ट्री के लिए खेलते हैं और पाकिस्तान की टीम को सिंगापुर, हांगकॉन्ग और श्रीलंका में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पाकिस्तान की कौमी टीम का हिस्सा रह चुके हैं। बड़े ही ज़बरदस्त और टेक्निकल और बहुत ही समझदार और सेंसिबल मिडफील्ड प्लेयर हैं ज़ियाउस्सलाम। जैसे मैंने आपको अजमल कहा था पहले मैच शुरू होने से पहले कि जो इनके इंडिविजुअल्स हैं डेफिनेटली कि वो एक काफ़ी इन्फ्लुएंस होगा, और वही इंडिविजुअल जो रसूल खान, ज़ियाउस्सलाम, इफ्तिखार इजहार, जो इन्होंने बिल्कुल आउट क्लास किया, तहमास खान फुटबॉल स्टेडियम पिशावर से अपने कमेंट्री बॉक्स में अपने साथी कमेंटेटर आसिफ खान और गौर जमान से आपको आपसे इजाज़त चाहता है। फाइनल में एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी, देखते रहें पीटीवी स्पोर्ट्स। Pakistan ready to give chances to their new faces. Imad Vaseem, Hassan Ali and Shoaib Malik rested. Opportunity for the raw and untested. Time to take on Windies in town. Without the star cast, they still have exciting players.